क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, चार का एक नंबर देखो, कह रहा बिंदु माइनस एक कॉमा तीन तथा माइनस पांच कॉमा सात के बीच की दूरी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मान लेते पहला बिंदु P है जिसका निर्देशांक माइनस एक कॉमा तीन है और दूसरा बिंदु Q है, ठीक है, P और Q यह दो बिंदु है, इसका निर्देशांक तो माइनस पांच और सात दिया, तो इन दोनों की बीच की दूरी हमें निकालनी है, यही आपको पी क्यू निकालनी है। तो इसमें लिख लेंगे कि माना माना दो बिंदु P माइनस एक कॉमा तीन तथा Q माइनस पांच कॉमा सात है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हमें पी क्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें दूरी सूत्र पता नहीं चाहिए, तो चाहो तो यहां लिख सकते हो दूरी सूत्र को, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, एक को x1 y1 मान लो और दूसरा आपका x2 y2 हो गया और इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस पांच माइनस माइनस फॉर्मूले का, इसमें माइनस है तो मैं प्लस कर देता हूँ, वन का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी कि सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दिए सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका माइनस चार का स्क्वायर सोलह होगा प्लस का ही, और यहाँ घटाएंगे चार तो यहाँ भी चार का स्क्वायर सोलह, सोलह सोलह रूट बत्तीस यानी कि चार रूट दो इकाई आ जाएगा यहाँ से लंबा। उसी तरह इसका सेकंड भी बना देना आपसे बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन